जी मेरे साथ जो है वो डार साहब मौजूद है, आबिद कश्मीरी साहब के साथ इनका एक दरीना ताल्लुक था, उनके साथ इनका जो सफ़र है। सर बताइएगा, आबिद कश्मीरी साहब के हवाले से कितना पुराना ताल्लुक था, इतने पुराने साथी थे? मेरे बच्चों जैसा था यार, वो तो कुछ 60 साल मेरे साथ उसका ताल्लुक रहा। बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट अच्छा बुरा तो नहीं होता, मगर यह कि या कोई होता है आर्टिस्ट या कोई नहीं होता, मगर वो बड़ा अच्छा इंसान था। अपने बड़ों का बहुत अदब करता था और हर बड़े को ये लगता था कि ये मेरा है, और जहाँ जहाँ कहीं ज़रूरत होती थी किसी किरदार की तो हर शख्स आबिद कश्मीरी का नाम लेता था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत अच्छा वक्त देखा उसने और बहुत भला आदमी था। सर बतौर अदाकार हम जो हैं हम भी उनके मद्दाहों में शामिल हैं। दिलीप कुमार साहब बहुत बड़ा नाम है, वो भी उनके डायलॉग्स डिलीवरी के जो मद्दा थे। तो बताइएगा कि ये फ़न अदाकारी से जो लोग मुंसलिक हैं उनको, उनसे जो है वो ज़रा उनकी तरफ से जो है वो बताइएगा कि ये कितना बड़ा लॉस है शोबिज़ के लिए? देखिए, शोबिज़ के लिए कोई लॉस नहीं होता। जो अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ले जाने की तरतीब बताते नहीं है, जाने की कोई तरतीब नहीं है, आने की तो तरतीब है। मगर अब किसी का बाप मर गया और वो गंडेरियाँ बेचता था तो लॉस तो उसको भी है, मगर लॉस नहीं है। ये अल्लाह का माल होता है, अल्लाह ले जाता है। मेरे नज़दीक तो ये कोई लॉस नहीं होता। आज तक कोई काम नहीं रुका किसी के जाने से, सब काम होते हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह अपना माल जो है किसी वक्त भी ले जा सकता है। सर आपसे बड़ी उनसियत थी, मोहब्बत थी उनकी, तो बताइएगा कि उनके साथ आखिरी मुलाकात जो है वो कब हुई थी आपकी? कुछ दिन हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं। जब जब कभी आता था अमेरिका से तो मिल लेता था। उनकी शख्सियत की कोई ख़ास बात जो बतौर शख्सियत आपको भी पसंद हो? सबको पसंद था वो, मुझे कि मैं क्या, मेरा मतलब अकेला आदमी कौन हूँ फैसला करने वाला। सबको वो बहुत पसंद था और सबका था, वो बहुत अच्छा था। अल्लाह उसके दर्जा चाहने वाले जो लोग हैं उनसे, जो प्यार करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहते? पैगाम उनको उन लोगों को मैं ये देना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि जब जब कभी आपको याद आए आबिद कश्मीरी तो उसके लिए फातिहा ज़रूर कहिएगा।